हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ईटिंग विद पूजा सिंह। आज मैं आप सबके साथ में स्पाइसी चिकन रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। स्पाइसी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ दो बड़ी प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है, दो हरी मिर्च ले ली है, दो बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, दो बड़े चम्मच नमक, दो बड़े चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच मीट मसाला पाउडर, दो बड़े चम्मच हल्दी पाउडर, दो बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो बड़े टमाटरों को काट लिया है, ढाई कड़छी मैंने यहाँ पे तेल लिया है और कुछ खड़े मसाले लिए हैं और 1.25 kg चिकन अच्छे से धो के ले लिया है। मैंने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो अब मैं इसमें खड़े मसाले डाल रही हूँ। दो तेजपत्ता, दो बड़ी इलायची और दो लौंग, इन्हें मैं हल्का सा ही सॉटे कर लूँगी। खड़े मसाले सॉटे हो गए हैं तो अब मैं इसमें हरी मिर्च और प्याज ऐड कर रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। तो प्याज को फ्राई करते हुए 4 से 5 मिनट हो गई है, तो अब ये हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो इसमें अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर लूँगी। और जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी मैं इसके साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक को अच्छी तरीके से फाइनली चॉप करके भी ले सकते हैं। मैंने यह मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया है 5 से 10 मिनट के, तो अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन को भी हमने इसके कलर चेंज होने तक ही फ्राई करना है, फिर उसके बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। चिकन हमारा कलर चेंज कर चुका है, तो अब मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर लिया है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब मैं चिकन को मसालों के साथ 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लूंगी। 5 से 10 मिनट हो गई है, तो अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर को गलाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। अब मैं चिकन में थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक के इसी तरीके से मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी। यहाँ टमाटर अच्छे तरीके से गल गए हैं और तेल ऊपर आ गया है। चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट अच्छे से गल गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा चला लूंगी और अब मैं इसमें मीट मसाला ऐड कर लूंगी। अगर आपको ज़्यादा गला हुआ चिकन पसंद नहीं है तो आप फ्लेम को हाई रखें। अब मैं इसे ढककर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भुनने दूंगी। तो देखिए, मैंने चिकन को अच्छी तरीके से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि पूरा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है और चिकन भी हमारा टेंडर हो गया है। अब चिकन हमारा पूरी तरीके से गल चुका है, तो अगर आप चाहें तो इसे इसी तरीके से भी खा सकते हैं, नहीं तो इसमें ग्रेवी भी कर सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्रेवी करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब ग्रेवी में उबाल आने के लिए मैं इसे ढक दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो देखिए, स्पाइसी चिकन बनकर तैयार है। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें मैं धनिया पत्ते ऐड कर रही हूँ। तो देखिए, हमारी ग्रेवी भी काफ़ी स्पाइसी लग रही है।
तो हमारा चिकन बिल्कुल बनकर तैयार है। तो मैं इसे ढक दूंगी और गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। तो लीजिए, हमारा स्पाइसी चिकन तैयार है।